पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता का यह एक पर्यटन स्थल है। यह पुल आज कोलकाता की पहचान बन चुका है। इसे ही रविंद्र सेतु भी कहा जाता है। यह झूलता हुआ पुल है। इस पुल पर हमेशा गाड़ियों का आवागमन होता रहता है। इस पुल पर आप सुबह के सैर का भी मज़ा ले सकते हैं। इसका निर्माण 1939 में शुरू हुआ और यह 1943 में जनता के लिए खोला गया था। हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ था तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था। 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, पर प्रचलित नाम फिर भी हावड़ा ब्रिज ही रहा। 2020 में इसके 77 साल पूरे हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को हावड़ा ब्रिज के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। विश्वास है निश्चित ही आपको फायदा होगा। तो शुरू करते हैं। उस जमाने में हावड़ा ब्रिज को बनाने में 2.5 करोड़ की लागत आई थी। जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसका काम सौंपा गया उनसे यह शर्त रखी गई कि वो भारत में बने स्टील का इस्तेमाल करें। इसलिए इस ब्रिज को बनाने में पूरी तरह से टाटा स्टील द्वारा बनाए गए स्टील का ही उपयोग किया गया। इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील की लागत आई। जब हावड़ा ब्रिज बना था तब यह वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज था, लेकिन अब यह 6 नंबर पर है। सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम जापान ने हावड़ा ब्रिज के पास बम भी गिराया था, लेकिन इस ब्रिज को कुछ नहीं हुआ। हुगली नदी के एक तट से दूसरे तट तक हावड़ा ब्रिज का पहले स्टील का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया। इस ब्रिज को बनाने में कहीं भी कोई वेल्डिंग नहीं की गई है और ना ही कोई नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्रिज में केवल रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो धातु का कील होता है उसका। इस ब्रिज की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस ब्रिज की दोनों साइड पिलर है, पर नदी के बीच में कोई भी पिलर नहीं है। सीप की आवाजाही की वजह से इसके बीच में कोई भी पिलर नहीं दिया गया है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 705 मीटर है और इसके बीच के भाग की लंबाई 457 मीटर है, जहां पर कोई पिलर नहीं है, और इसकी चौड़ाई 71 फीट है, जिसमें ब्रिज के दोनों ओर पैदल लोगों के लिए 7.5 फीट चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 82 मीटर है, मतलब 27 मंजिल के बराबर। यहाँ कई प्रसिद्ध फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। बॉलीवुड की एक पुराने फिल्म का नाम हावड़ा ब्रिज रखा गया। यह ब्रिज कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने का काम करता है। सबसे पहले इस ब्रिज पर ट्रोम को चलाया गया। इस ब्रिज पर डेली 3 लाख से ज़्यादा वाहन गुजरते हैं और 4.5 लाख से ज़्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। ये ब्रिज दुनिया का बिजेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज है। इस पर ज़्यादा ट्रैफिक होने से एक दूसरा पुल बनाया गया जिसका नाम है विद्यासागर सेतु। विद्यासागर सेतु का निर्माण करवाया गया और 1992 में लोगों के लिए खोल दिया गया। सेकंड हुगली ब्रिज भी कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।